हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल या सेली क्लासेस। कल आप लोगों ने हमारी रॉयल्टी अकाउंट्स की पहली क्लास देखी होगी, उसमें मैं आपके पूछा पहला क्वेश्चन करा था कि आज हम उसी बुक का आपकी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 55। वो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आप लोग जिनके पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चन को यहां से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर देख के क्वेश्चन आ जाएगा। आपकी बुक का देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अपनी स्क्रीन पर देखे होगा। क्योंकि क्वेश्चन ये है, एक कॉलोनी लिमिटेड है, उसने कुछ एक जगह को लीज पर लिया, ओके, बट उसमें क्या है, उसने लीज पर लिया था 1 जुलाई 2010 को, लेकिन वहां पर दो सिचुएशन दे रखी है। एक तो मिनिमम रेंट दो बार दे रहा है, एक तो मिनिमम रेंट अप टू कमेंसमेंट मतलब वर्क स्टार्ट होने से पहले का दे रखा है मिनिमम रेंट, और दूसरा मिनिमम रेंट वर्क स्टार्ट होने के बाद दे रखा है। ओके, तो यहां पर मिनिमम रेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आप देखें सॉल्यूशन में कि आपका वर्क कब से स्टार्ट हो रहा है, 1st अप्रैल से, तो यहां पर आपको आउटपुट भी 12-13 का देना है, फिर उसको 13-14-15-16, ओके, ये सारा का सारा आपको गिवन है। और देखिएगा रॉयल्टी कितना है, 1 रुपीस पर टन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिएगा लीज आपने कब ली है, लीज पर आपने कब लिया है, 1st जुलाई 2010। तो इसका मतलब 2010 और 11 में आपका मिनिमम रेंट सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का निकलेगा, कैसे, फ्रॉम जुलाई टू 31st ऑफ मार्च 2011, 9 मंथ्स का। तो चेक कर लेते हैं, 12000 पर एनम है पूरे 12 महीने का, तो 9 मंथ्स का कितना हुआ, दैट इज 9000। तो इन ईयर 10 11 हमारा मिनिमम रेंट कितना निकल आ गया, 9000। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फिर अब हमारा ईयर स्टार्ट हो गया 1st अप्रैल 2011 टू 31st मार्च 2012, तो उसमें पूरे साल का है कितना, 12000। तो मिनिमम रेट हमारा यहां कितना आएगा, 12000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि जिस दिन वर्क स्टार्ट हो गया, वर्क स्टार्ट हुआ 1st अप्रैल 2012 को, उसके बाद से मिनिमम रेट कितना होगा, 18000 पर एनम। तो हर बार अब हमारा क्या रहेगा, मिनिमम रेट 18000 पर एनम, 18000 पर एनम, 18000 पर एनम एंड 18000 पर एनम। ओके, और जिस दिन से वर्क स्टार्ट हुआ इसका मतलब आउटपुट भी उसी दिन से, तो आउटपुट पहले ईयर का कितना है, 12-13 का 15000, 13-14 का 25000, 14-15 का 20000, 15-16 का 30000। ओके, और जितना भी आउटपुट रेज हो रहा है रॉयल्टी उसके कितना है, 1 रुपए पर टन, जितना भी आउटपुट रेज हो रहा है रॉयल्टी उसका कितना है, 1 रुपीस पर टन। ओके, तो यहां पर 10 11 में वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो आउटपुट 0, 10 11 में भी आउटपुट क्या रहेगा, 0। तो यहां पर रॉयल्टी कुछ नहीं, यहां पर भी रॉयल्टी कुछ नहीं। ओके, तो 15000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स 15000, 25000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 25000, 20000 एंड 30000। जितने रुपीस पर टन था हमारा आउटपुट, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया आउटपुट से इनटू रॉयल्टी अमाउंट। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, शॉर्ट वर्किंग से, और लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट वर्किंग को निकालना सीख लिया था, मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। तो देखिएगा मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी दैट इज 9000 की शॉर्ट वर्किंग है, अगेन 12000 की शॉर्ट वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट है 3000 की शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट 7000 का सरप्लस आ गया आपका, नेक्स्ट 2000 का सरप्लस आ गया आपका, नेक्स्ट 12000 का आपका सरप्लस आ गया। ओके, और आपके क्वेश्चन ने ये कहा है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप आप कर सकते हैं अप टू टू सबसीक्वेंट इयर्स। टू सबसीक्वेंट इयर्स का मतलब है जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी उस साल को छोड़कर अगले 2 साल तक आप उसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा पहले ईयर में 9000 की शॉर्ट वर्किंग है और आपके पास कोई सरप्लस नहीं है, तो क्या आप पहले साल को कुछ रिकूप कर पाएंगे, आप कुछ रिकूप नहीं कर सकते। ओके, और जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएंगे उससे अगले 2 साल मींस 10 11 की शॉर्ट वर्किंग को कहां तक कर सकते हैं, 12 13 तक कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप कुछ अनरिकूप भी नहीं हो, अमाउंट पेड टू लेंडर लास्ट क्लास में सीख लिया था कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच इज 9000 माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग, रिकूप शॉर्ट वर्किंग इज 0, देन टोटल 9000 यू पेड टू लेंडर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा,
अब 12,000 की अगेन आपके पास क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। अब इस 12,000 की शॉर्ट वर्किंग को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सरप्लस बैलेंस नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा। अब देखिए 12,000 और nil whichever is higher 12,000 minus 0 that is 12,000 paid to lend, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास अगेन 3,000 की क्या है, शॉर्ट वर्किंग। अब देखिएगा ये जो 9,000 की शॉर्ट वर्किंग थी इसका टाइम पीरियड यहां 12:30 में क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि दो सबसीक्वेंट इयर्स मिले थे, एक अपना और दो और इसको मिले थे, तो अब ये चार करके रिकूट नहीं हो सकता, तो टोटल कितना कहां चला जाएगा, अनबिल्ड। ओके, और अनबिल्ड को हम का ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगेन अमाउंट पेड टू लेंडर, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी व्हिच इज हायर दैट इज 18,000, 18,000 माइनस 0 अगेन 18,000। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अब जब आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो ये 12,000 आपका यहां तक आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसकी सबसीक्वेंट ईयर कहां पूरे में, एक तो ये अपना ईयर और बाकी दो ईयर्स को और दिए जाएंगे, यहां तक आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आपने 12,000 से कितना राइट ऑफ कर लिया, 7,000 में चला गया आपका, बाकी 7 में 12 में से 7 गया, कितने बचे 5,000 क्या हो गए, अनरिकवर्ड। ओके, अगेन आपको लैंड लॉट का अमाउंट कैसे पे करना है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी व्हिच एवर इज हायर 25,000 माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग दैट इज 7,000, 25,000 माइनस 7,000 18,000 पेड टू लैंड। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपके यहां, अब यहां पर कितनी शॉर्ट वर्किंग अभी भी बची आपके पास, ये इसका टाइम पीरियड यहां कंप्लीट हो गया। ओके, यहां शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 2,30,000 की, और आपके पास सरप्लस कितना है 2,000, तो आप रिकूप कितना कर सकते हैं, 2,000 आप रिकूप कर सकते हैं। इसके सबसीक्वेंट ईयर दो कंप्लीट हो गए तो अब आप इसको चार करके रिकूप नहीं कर सकते, 1000 किस में चला जाएगा, अनरिकूप। अगेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड व्हिच एवर इज हायर, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी व्हिच एवर इज हायर 20,000 माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग दैट इज 2000, 20 माइनस 2 18,000 पेड टू लैंड। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब रिकूप भी कुछ नहीं कर सकते, अनरिकूप भी कुछ नहीं कर सकते, देन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड व्हिच एवर इज हायर 30,000 माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग दैट इज nil, 30,000 माइनस nil 30,000। ओके, अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, और जनरल एंट्री में आपको बता चुका हूं कि जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब देखिएगा एक जनरल एंट्री इसमें बढ़ जाएगी, वो कौन सी जनरल एंट्री है, कि आपने जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग है उनको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है किसमें, पी एंड एल अकाउंट में। ओके, तो कल जो मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई थी उसमें पहली जनरल एंट्री कहती कि आपको अमाउंट पेबल, आपको पे नहीं करना, डी पर भी छोड़ देना है, और ड्यू किसको किया जाता है, लैंडलॉर्ड को। तो पहली एंट्री क्या करेंगे आप लोग, रेंट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को क्या करना है, आपको ड्यू करना है। ओके, तो पहली शर्त है रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी मिल ले तो रॉयल्टी को चाहिए शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कितनी है, शॉर्ट वर्किंग आपकी 9,000 टू लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री जो आप पास करते हैं, लैंडलॉर्ड को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, तो लैंडलॉर्ड विल बिकम रिसीवर, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, और जो आपकी रॉयल्टी होती है, और जो आपकी रॉयल्टी होती है उस रॉयल्टी को आपको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है किसको, राइट ऑफ करना होता है पी एंड एल अकाउंट में, एसओपीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.yasirallyclasses.com, और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो info@yasirallyclasses.com पर मेल भी कर